अगर आप जंगल से गुजर रहे हो और बाघ सामने आ जाए तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे बाघ होगा। लेकिन जंगल का महाबली बाघ जब इंसानों की बस्ती में पहुंचा तो पासा पलट गया। पीलीभीत में गांव के अंदर रात के अंधेरे में बाघ घुसाया, फिर क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। दिखने में तो जंगल का बाहुबली बाघ लग रहा है, लेकिन वीडियो में मालूम पड़ता है कि बाघ नहीं भीगी बिल्ली है। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए, भाई साहब ने तो ऐसा धक्का मारा कि बेचारा बाघ जमीन पर जा गिरा। बेइज्जती की भी हद होती है। पहले जरा इस बाघ के बेचारेपन की कुछ तस्वीरें देख लीजिए, फिर पूरी कहानी आपको बताएंगे। दीवार पर दुबक कर बैठा है, मानो सोच रहा हो कि भीड़ में फंस तो गया, अब जान बचाकर जंगल में भागे कैसे। कभी दीवार पर खड़े होकर भागने की राह देखता तो कभी दीवार से लटक कर ऐसे बैठ जाता मानो दोबारा गांव में न आने की कसम खा रहा हो। बेचारा बाघ जाए तो आखिर जाए कहां? चारों ओर से लोगों ने घेर रखा है, सोच रहा है कि खुद को सरेंडर करना सही है। बाघ हमला ना कर दे इसलिए चारों ओर जाल की दीवार बना दी गई और इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन बाघ। वन विभाग की टीम ने जाल बिछाया, लेकिन जंगल का महाबली झांसे में नहीं आया। थक हार कर बाघ को ट्रैंकुलाइज किया गया। बाघ ऐसे सामने आकर गुर्रा दे तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए, लेकिन इस वक्त ना तो उसकी देह में दम बचा था और जबड़े में जकड़ने की ताकत भी नहीं। वन विभाग की टीम पिंजरे में कैद कर उसे जंगल में ले जाने की तमाम कोशिश कर रही थी, लेकिन बाघ आसानी से पकड़ में आ जाए ऐसा हो ही नहीं रहा था। और फाइनली हमने उच्च अधिकारियों से परमिशन ली इसके बारे में सिचुएशन बताते हुए कि कितनी गंभीर सिचुएशन है, उसको कितना अर्जेंसी में इसको ट्रैंकुलाइज करना पड़ा हमें। तो हमने सारे जो उपाय करने होते हैं, जो प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं एनटीसीपी की एसओपी के अनुसार, हमने उस बाघ को ट्रैंकुलाइज करके अपने केज में ले लिया है। अब उसको थोड़ा सा हम उसको निरीक्षण करेंगे, उसका उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद जैसा भी ऊपर संदेश मिलेगा उस हिसाब से इस बाघ को भेजा जाएगा। बाघ को काबू में करने के बाद उसे जांच के लिए भेजा गया, लेकिन जिस तरह से 12 घंटे से ज्यादा का वक्त वो गांव में रहा, दहशत का माहौल बना रहा। मोहम्मद तारिक, पीलीभीत, जी मीडिया।